नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की ऑफिशियल एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। आपका पीआरटी का एग्जाम कब होगा और साथ साथ जूनियर का एग्जाम कब होगा और 9 से 10th क्लास का कब होगा और कौन सी पाली में होगा, यानी फर्स्ट शिफ्ट में होगा, सेकेंड शिफ्ट में होगा, इसके साथ ही साथ एग्जाम का टाइमिंग कब होगा, कब आपको उपस्थित होना है, ठीक। और इसके अतिरिक्त हम आपको सबसे बेस्ट कोचिंग के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो आपकी पोल्ट्री हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ हो, या फिर आपकी रीजनिंग हो, या फिर आपका हिंदी इंग्लिश कुछ भी हो, मतलब सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे अच्छी, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की। इसमें लगभग आपके 1 लाख के करीब पद जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे खासे पद है। तो आइए बात करते हैं ऑफिशियल एग्जाम डेट क्या है। तो ऑफिशियल एग्जाम डेट है जो आपकी, पहले हम बात करते हैं 15/3/2024, यानी 15 मार्च को आपका एग्जाम होगा। तो 15 मार्च को किस चीज़ का एग्जाम होगा, प्रथम पाली में एग्जाम होगा आपका जूनियर का। जूनियर के आपके सभी विषय इसमें शामिल होंगे, सभी विषय मतलब ऑल सब्जेक्ट कोई सा भी हो, चाहे आपका मैथ एंड साइंस हो, ठीक है, मैथ एंड साइंस हो, या आपका क्या SST हो, या आपका हिंदी हो, ठीक, या आपका क्या इंग्लिश हो, कुछ भी हो, मतलब जो आपके सारे सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट का, जो एक ही पाली में आपका एग्जाम होगा प्रथम शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। वो टाइमिंग क्या होगी, 9:30 से आपकी 12 बजे तक। ध्यान दीजिए दोबारा से कि आपका प्रथम पाली है 15 मार्च को जूनियर वालों का एग्जाम होगा सारे विषय का, चाहे आपकी SST हो, चाहे मैथ साइंस हो, चाहे हिंदी, कुछ भी हो मतलब आपके पास, ठीक। 9:30 से 12 आपकी टाइमिंग है और आपको लगभग 2 घंटे पहले उपस्थित हो जाना, यानी 9:30 से, तो आपको ये मान के चलो 7 बजे वहाँ पर उपस्थित होना है, 7:30 से 7:30 बजे। आगे बात करते हैं द्वितीय पाली यानी सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा, आपका PRT का एग्जाम होगा, मतलब 5th क्लास के लिए। यहाँ PRT वाले ध्यान दीजिएगा, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम है 15 तारीख को ही, 15 मार्च को ही आपका प्रथम पहली शिफ्ट में तो जूनियर का है और सेकंड शिफ्ट में आपका PRT का है, 1 से 5th क्लास वालों का। और उसकी टाइमिंग क्या है, इसकी टाइमिंग 2:30 से आपकी 5 बजे तक है, ठीक है, 2:30 से 5 बजे तक आपकी टाइमिंग है। और वही मैंने बताया ना आपको, आपको इस एग्ज़ाम पे 2 घंटे पहले लगभग 1:30 बजे करीब आपको पहुँच जाना है, उसके बाद गेट बंद कर दिया जाएगा, ठीक। अब अगली बात करते हैं हम, मैंने बता दिया आपको फर्स्ट शिफ्ट में जूनियर का कब होगा, PRT का कब होगा। अब बात करते हैं 9th से 10th क्लास वाले की। तो 9th से 10th आपका 16 मार्च को एग्जाम होगा, यानी अगले दिन, ठीक, 16 मार्च का भी एग्जाम होगा आपका। और एक एक ही शिफ्ट होगी इसमें, इसमें ऐसे ना फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट, इसमें एक ही शिफ्ट रखी है और वो इस एक शिफ्ट में जो आपका एग्जाम होगा वो 9th से 10th क्लास वालों को होगा, जिस, ठीक है, जिस 9th से 10th फॉर्म भरे हैं उसमें सभी विषय आपके रखे गए हैं, कोई से विषय आपके सारे विषय एक साथ ही ले जाएंगे, ठीक, वो आपका सेंटर अलग अलग होगा सबका। इसकी टाइमिंग की बात करें तो 12:30 से 2:30 बजे तक इसका शिफ्ट है और ये इस दिन भी एक ही शिफ्ट होगी। मैं सोच रहा कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होगा, 16 तारीख को आपका एक ही शिफ्ट में आपको एग्जाम होगा और किसे 9th से 10th क्लास के लिए होगा, और 12:30 से 2:30 बजे तक टाइमिंग है। और जैसे मैंने बताया सभी को 2 घंटे पहले कम से कम पहुंचना है, ठीक है, 2 घंटे पहले, कभी फिर कहो हमें एंट्री दी, हमारा जाना बिहार जाना बेकार होगा, तो 2 घंटे पहले आपको उपस्थित रह जाना है, चाहे सेंटर बाहर जाके खड़े हो जाओ लेकिन आपको पहुंचना है 2 घंटे पहले, ठीक है, फिर गेट क्लोज हो जाता, किसी को एंट्री नहीं मिलती। अब बात करते हैं कि 9th से 10th वाले तो हो गए हमारे, 11th से 12th वालों की कब जो है आपकी डेट आएगी एग्जाम डेट, तो उन्होंने अभी ऑफिशियली जारी नहीं किया है, वो जल्दी जैसे शेड्यूल होगा हम आपको अपडेट कर देंगे कि कब आपकी 11 से 12 वालों की एग्जाम होगा। अब बात करते हैं फ्री नोट्स की, हम बात करेंगे आपके ऑल सब्जेक्ट नोट्स और साथ साथ NCERT PDF की, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की बिहार के लिए आपको कहाँ मिलेंगे नोट्स, ठीक। जैसे हम बात करें तो सामान्य ज्ञान का कहाँ मिलेगा, विज्ञान के लिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी पोल्ट्री हिस्ट्री के लिए, बिहार जी के गणित के लिए, पर्यावरण रीजनिंग के लिए, यहाँ तक कि ये सभी सारे जो नोट्स आपको बिहार जी के हो, गणित हो, पर्यावरण रीजनिंग हो, ज्योग्राफी हिस्ट्री पोल्ट्री कुछ भी हो, ये सब आपको बेस्ट कोचिंग के देंगे। वो कोचिंग का नाम है ऑफिसर अकेडमी, जी हाँ, हम ऑफिसर अकेडमी के सारे नोट्स आपको फ्री प्रोवाइड करवाएंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। हम 2 टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक देंगे, एक हमारा मेन चैनल है, ठीक है, क्योंकि उस पर हम नहीं डालते, PDF नहीं डाल सकते, उसमें कॉपीराइट आ जाता है, एक होगा PDF को होगा स्पेशल, उसमें PDF आपको मिलेगी और बिहार के लिए बेस्ट कंटेंट देंगे हम, जो आपको पेड में भी नहीं मिलता है, ठीक है, हम आपको फ्री देंगे सारा सारा। और ये सारे ये मानो जैसे सामान्य ज्ञान है, लगभग 8,000-8,000 क्वेश्चन है, इसके MCQ आंसर भी साथ साथ इनके, विज्ञान के, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पोल्ट्री, हिस्ट्री, बिहार जी के, गणित, बिहार पर्यावरण रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट के, मतलब सारे सब्जेक्ट में कवर करके चलेंगे। ये साथ ही साथ हम ऑफिसर अकेडमी के आपको प्रैक्टिस सेट भी देंगे, इसके अलग और क्या देंगे, जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है आपकी उसकी PDF फ्री प्रोवाइड कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, यानी जो पहले 3.1.0, 3.2.0 हुआ है, चाहे PRT के लिए, 6-8 के लिए, 9th से 10th के लिए, 9th से 12th के लिए, सभी क्लासों के जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस ईयर की, उसकी PDF फ्री प्रोवाइड करवाएंगे आपको बिना किसी पेड़ के, निःशुल्क आपको फ्री उपलब्ध होगी। उसे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए, जो तैयारी कर चुका है सिर्फ प्रैक्टिस शॉट लगाइए इनसे, इनसे प्रैक्टिस करिए, आपको पता लग जाएगा बहुत फायदा मिलेगा। जो ऑफिसर अकेडमी वाले इतने महंगी बेचते हैं हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक, कॉपीराइट की वजह से हम दूसरी 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे आपको, एक PDF के लिए होगा स्पेशल और एक आपको होगा जिसमें हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो दोनों ज्वाइन कर लीजिए, कोई कॉपीराइट आ जाता है फिर जो मेन चैनल आप उस पर रहोगे तो हम नई लिंक वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो हमने बता दिया है कि आपका एग्जाम कब होगा, साथ ही साथ हम फ्री कंटेंट PDF आपको कहाँ दे आएंगे, बिहार जीके के लिए, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव हो,
तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।